Welcome to Supercar India. ऑटो एक्सपो 2020 में पुणे की कंपनी EVerve भी आई है। ये व्हीकल मॉडिफिकेशन कंपनी है, लेकिन अब कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में एंट्री कर रही है। इसने अपने पहले प्रोटोटाइप मॉडल EF1 को पेश किया है। लग्जरी लुक वाले इस स्कूटर को साल के आखिरी तक लॉन्च किया जाएगा, उसी वक्त इसकी कीमत भी सामने आएगी। EVerve के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास ने इस स्कूटर के बारे में कई जानकारियां शेयर की है। इस स्कूटर में दो रिमूवेबल बैटरी का यूज किया गया है। दोनों ही बैटरी निकाल कर अलग से चार्ज की जा सकती है। फास्ट चार्जर से बैटरी करीब एक घंटे में और रेगुलर चार्जर से ये 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज होने के बाद इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। वहीं इसके टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्कूटर में चार ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। इनमें M1, M2, टर्बो बूस्ट और S शामिल है। सिटी में ड्राइविंग के दौरान M1 और M2 मोड का यूज किया जाता है। वहीं हाईवे पर चलने के लिए S यानी स्पोर्ट्स मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि गाड़ी को ओवरटेक करना है तब उसके लिए टर्बो बूस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। इसमें कलर स्क्रीन वाला कंसोल दिया है जिसे ऐप के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें बैटरी चार्जिंग स्पीड, ट्रिप मीटर, बूस्ट लेवल के साथ कई दूसरी डिटेल भी नजर आती है। कंपनी स्कूटर के नए वेरिएंट में डिजिटल कंसोल लगाएगी, जिसमें NFC और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ GPS नेविगेशन भी मिलेगा। EVerve ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कंपनी के लोगो का कई जगह इस्तेमाल किया है, जिसे फ्रंट में LED लाइट को लोगो के जैसा डिजाइन किया गया है। इसकी चाबी में भी लोगो का डिजाइन मिलेगा। इसके फ्रंट में गोल आकार की हेवी LED लाइट मिलेगी। वहीं बैक साइड में आयरन मैन के जैसे डिजाइन वाली लाइट मिलेगी। इसमें आगे और पीछे 12 इंच के व्हील्स दिए हैं। सेफ्टी के लिए दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो काफी कमाल की बात हो सकती है। सामने की तरफ स्पीकर और एक बोतल होल्डर दिया है। सीट के नीचे बैटरी के साथ लगेज स्पेस मिलेगा, लेकिन फ्रंट में कोई स्पेस नहीं दिया गया है। इसे 6 कलर में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, EVerve स्कूटर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल सुपर कार इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।